मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री, जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता है उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धे है जी, और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था, मैं जनतक तौर पर बह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा था, सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं ये घर आपका है, आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप ये घर आपका है, ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अब खान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 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 जय।